वो जा रहा है उधर, वो देखिए गाइस हो रहा, वो चला गया उधर की तरफ, मैं दिखाता हूँ, वो देखिए वो जा रहा है सामने और ये वापस पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ये बड़ा खेल हो गया गाइस यार, वो गया उधर, वो देख घूम के आ रहा है इधर की तरफ, ये जो गया उधर, उधर चला गया दूर 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 चला गया, अब नहीं आता भाई, अब नहीं आता, अब इतनी दूर निकल गया कि अब शायद लौटेगा नहीं। मैं दिखाता हूँ, देखिए टंकी के नज़दीक उठ रहा है काफ़ी दूर जा करके, और अब ये टाइम शायद इसका आने का नहीं है, अभी चला ही जाएगा, मुश्किल ही आ पाएगा। अभी चारों तरफ भटक रहा है मगर इधर आकर रुक नहीं कर रहा है, बहुत देर हो गई इसको, और देखो नज़दीक आ तो रखा है गाइस, आ रहा है ये, देखिए ये आ रहा है ऊपर की तरफ से, और ये आ जाए तो ठीक है यार, वो फिर चला गया, गया गया। तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं सभी, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम से ठीक ठाक होंगे और परफेक्ट होंगे, और आपके पेट्स एकदम से बढ़िया होंगे, एकदम से ठीक ठाक होंगे। तो गाइज कल हम लोगों ने जो कबूतर पकड़ा था यार, वो निकल गया है हमारे हाथ से, आपने देखा होगा कि कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, मतलब कल व्लॉग डाला था उसमें आपने देखा होगा। तो यार वो ना उधर निकल गया है दूर, उधर की तरफ चला गया बहुत दूर, पेड़ों के उससे भी आगे निकल गया है। दरअसल हुआ क्या था गाइज, कल मैंने उसको पकड़ने के बाद ना मैंने इस वाले केज में यूं ही बंद कर दिया था और ध्यान दिया नहीं इस चीज़ का, मैंने सोचा सुबह आके विंग मतलब उसके लॉक कर दूँगा पर बांध दूँगा, मगर वह हुआ ये कि मैं रात तो जाकर मतलब उसको ऐसे चला गया छोड़ के, और सुबह में आया मेरा ध्यान नहीं रहा कि यार हमने उसके पढ़ नहीं बांधे, और वो सीधा मैंने गेट खोले, पहले तो निकल के सबसे पहले वहाँ बैठा उस कोने पर, वहाँ से बैठने के बाद फिर नीचे आया थोड़ा दाना भी खाया, दाना खा के अचानक से फिर बहुत से कबूतर उड़े डर से, ये पिन्नी वगैरह से हिल जाती है, कबूतर डर जाते हैं, तो एकदम से उड़ा, उड़ने के बाद राउंड राउंड घूमने लगा बहुत देर तक घूमता रहा, और घूमने के बाद कुछ टाइम बाद वो निकल गया, निकला वो इधर की साइड में, मगर इधर से दूर से घूमता हुआ ऐसे करके यूँ पूरा घूम के इधर आ गया, और फिर वो उधर जाता हुआ सारे मोड़ रहा है, अभी तक नहीं आया, चला गया। तो अब पता नहीं दोस्तों ये वापस आएगा या नहीं, क्योंकि हमने भी इसको कहीं से पकड़ा था, मतलब हमारे यहाँ ही आया था कहीं से और हमने इसको पकड़ा था कल, और अब ये है कि यहाँ से ना जाने कहाँ जाएगा, कि अपने घर वापस चला जाएगा या फिर कोई किसी और सड़क पर चला जाएगा या ऐसे कोई और पकड़ लेगा, ये कह नहीं सकते। बाकी यार बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो गया यार, इतनी सारी मेहनत की थी कल इसको पकड़ने के लिए और आज ये यहाँ से निकल गया, चला गया भाई, पर गाइस यही है और क्या यार, ये सिलसिला चलता रहता है कबूतर का। और ये तुम लोग इधर पानी क्यों पीओ, मैं पानी तो वाली लेकर आऊँ, ये रहा इधर, चलो इधर चलो, उधर चलो उधर चलो भाई। गाइस आज ना मैं इनके लिए पानी लेकर आया हूँ, उस पानी में मैं दवाई मिलाकर लाया हूँ कुछ, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स लगी हुई हैं और काफ़ी सारे कबूतर से हमारे यहाँ पियेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदा देगी ये दवाई। तो ये मैं करने के लगाऊँ, पहले इसको पानी डालने लगाऊँ यहाँ पर इधर, लो जी सब प्यासे भी हैं, पानी वगैरह पी लेंगे थोड़ा, ये जो फट्टा है इसको रख देंगे यहाँ पर ऐसे। गाइज एक ये बच्चा हमारा काफ़ी बीमार हो रखा है आजकल, मैं देख रहा हूँ कि इसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही है, तो अब मैंने इसको अलग बंद करना चालू कर दिया, अलग बंद कर रहा हूँ मैं फाइनली। ये भी इस पानी को पिएगा तो ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, है ना। और एक अपडेट और मैंने आपको दी है गाइज, गाइज अपडेट ये है कि आप जानते हैं लास्ट टाइम जो कबूतर हमारा हमने पकड़ा था बहुत प्यारा था, उसको इन लोगों ने बहुत मारा था, तो उसमें से दो कबूतर चूस हो गए हैं जिसने मारा था, पता चल गया है हमें किन्होंने मतलब किन किन ने उसे मारा था इतने बुरे तरीके से, तो अब उनकी जो शामत आने वाली है मैंने उनके बारे में सोच लिया है। वो जो है मैं दिखाता हूँ कौन कौन से कबूतर हैं, मैं कांगिया भाई देखो गाइज, एक तो बैठा हुआ है उधर, ठीक है ये मेल है और इसकी जस्ट फीमेल पानी पी रही है, ये देखिए ये फीमेल है, ये पूरा कंप्लीट पेयर है हमारे यहाँ का, बहुत सुंदर पेयर है, बहुत पसंद है हमारे सब्सक्राइबर्स को। तो अभी हमने सोचा है कि गाइज इसको ना हम यहाँ से हटाने वाले हैं, हटा देंगे मतलब कि यहाँ से हम इसको नहीं रखेंगे यहाँ, और अभी यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे कबूतर इस तरह से कोई नया कबूतर आया उसे फिर से मारे, ये इतने लड़ाक हैं दोनों। तो हमने क्या सोचा है, अब जब कबूतर गाँव भेजेंगे ना, तो गाँव भेजने वाले कबूतरों में ये वाले भी होंगे, है ना, तो फिर इन दोनों को ही भेज देंगे हम। और मैं देखता हूँ वो कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, गाइस आपको कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए चारों तरफ कहीं भी नहीं है, और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है आज, क्योंकि हवा नहीं है ज़्यादा, इसलिए देख सकते हैं आप सामने हवा नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और तुम बाहर आ जाओगे, तुम बाहर आकर पानी वगैरह पियोगे तो मैं लगता हूँ मुझे लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे, आ जाओ जाओ। थोड़ा बीमार हो गया है, बाकी समझता हूँ कि पानी वगैरह पी तो सही हो जाएगा, इस पानी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ मिली हुई है,
मतलब कि जो इसको बहुत फ़ायदा करेगी और शाम तक इसको आराम भी लग जाएगा पानी पीने के बाद, क्योंकि ये जो दवाई है इसमें मैंने बताया आपको इसमें पेट के दर्द की, बुखार की सभी मिली हुई है, सूखा वगैरह हो जाता है उसके लिए भी, या फिर कोई और बीमारी डायरिया वगैरह हो जाता है उसके लिए भी, लूज मोशन या मोशन जो भी हो जाए सबके लिए इसमें दवाइयाँ हैं, दर्द वगैरह की दवाई इसमें है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, दवाई इसमें मिली हुई है ना, और मल्टीविटामिन वगैरह इसमें लगे हुए हैं, ताकत के लिए इसमें है। इसी दवाई को हम नीचे वाले उस बच्चे को दे रहे हैं जो हमने नीचे रखा हुआ है, इसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल केज में नीचे है, पर कोई बात नहीं वो जल्दी ठीक होगा और बाकी ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे इसकी जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, शाम तक पता चल जाएगा कि इस दवाई से इसको फ़र्क लगाए नहीं लगाए, और आप लोग दुआ कीजिए कि उम्मीद करेंगे हम भी कि इसको जो है फ़र्क लग जाएगा ये, है ना। हाँ जी, तो वो दोनों कहाँ गए, किधर गए, किधर गए, वो देखिए किधर 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 गए, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब तो ये रहे, ये दाना खा रही है फीमेल और वो मेल हो रहा, तो तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हारा मैंने इंतजाम कर दिया, तुम हमारे किसी कबूतर को नहीं मार पाओगे, समझे तुम। और गाइस मुझे आपने कुछ और भी बताना है, बताना ये है कि हमारा जो लाल वाला कबूतर है ना, ये हमने पकड़ा था तकरीबन 15-20 दिन हो गए इसको पकड़े हुए, अब हमने इसके ही पर खोल देने हैं बहुत जल्द, ठीक है। सभी सब्सक्राइबर्स की डिमांड भी थी कि भाई आपने वो लाल कबूतर पकड़ा है उसको कब तक आप एजी में रहोगे, तो आपने पक्का भी हो चुका है, वो सबको जान गया है, तो हम धीरे धीरे करके इसके पर खोलने स्टार्ट करेंगे, कल या परसों में इसके विंग्स जो है हम खोल देंगे, ताकि ये अपनी जो है ज़िंदगी जी सके, अपना आज़ाद रहे और यहाँ पर आराम से हमारे कबूतरों के साथ दोस्ती लगा ले, दोस्ती ये लगा चुका है, मगर उड़ने वाली दोस्ती भी लगा ले, और कहीं जाएगा। आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि शिकारी परिंदे बहुत आ रखे हैं आसमान में, वो देखिए गाइस कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4 परिंदे बिल्कुल छत के ऊपर उड़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ से। और ये और एक बात मैं बता दूँ गाइज आपको, गाइज कल शाम में क्या नोटिस कर रहा था, कल शाम 3 चील एक कबूतर के पीछे लगी हुई थी, मैंने तो कभी चील को इस तरह से लगे हुए नहीं देखा, एक कबूतर के पीछे वहाँ सामने देखिए उस छत पर, मैं दिखाता हूँ, ये येलो वाला सबको मकान दिख रहा होगा जो इसके बीच में आप देखेंगे ना, वो सामने थोड़ा जूम करूँ, ये देखिए ये छत है ना, ये बीच में वाइट वाली, इस पर कबूतर रहते हैं, किसी भाई के कोई पालता होगा, हमारी तरह कोई पेट लवर है, तो भाई उसने कबूतर उड़ाए तो वहाँ से चीले बहुत सारी कबूतर के पीछे लग गई, और कबूतरों को जान छुड़ानी भारी पड़ गई भाई, उनमें बेचारा एक कबूतर तो वहाँ से जब वो मतलब उसके पीछे लगी रही चील की, तो वहाँ से निकल के सीधा निकल के, वो दिख रहा आपको वहाँ पर टीन डली हुई है, टीन सेट है एक, है ना, वहाँ पर उसके ऊपर जाकर गिर गया बहुत ज़ोर से, और गिरता 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 नीचे गिर गया, फिर और उसके कुछ विंग्स कम थे, पंख कुछ कटे हुए थे, उसके पीछे चील लगी हुई थी, तो आजकल शिकारी परिंदे बहुत अटैक कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने कबूतरों को बचा कर रखें शिकारी परिंदों से, और ये गिलहरियाँ इनका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा गाइस, इतना परेशान करने लगी हैं कबूतरों को ये भी, अभी लास्ट टाइम तो मैंने देखा था कि अटैक भी कर रही थी कबूतर के ऊपर हमारे, ना दाना खाते वक्त, पर तुम यार ऐसे कबूतरों को परेशान ना करा करो, वरना मैं तुम्हें ट्रैप लगा के पकड़ कर दूर छोड़ूंगा तुम्हारे इस घर से जहाँ पे तुम यहाँ रहते हो, ठीक है। तो गाइस आप थोड़ा बताइएगा कमेंट करके, क्या हमें इस बच्चे के ऊपर जल्दी खोल देने चाहिए लाल वाले के जो कबूतर है मैंने पकड़ा था, या अभी और टाइम लेना चाहिए, जो भी आप बताइएगा कमेंट में इसके बारे में, ताकि इसकी जो भी अपडेट हमें मिल सके और आगे की अपडेट हम आपको दे सकें, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इसके साथ आगे चल के, ठीक है। और बस शायद नेक्स्ट संडे तक या मंडे तक ये कबूतर हमारे यहाँ से चले जाएंगे, काफ़ी सारे, कितने सारे शिकारी परिंदे का देखने, कितने सारे शिकारी परिंदे हैं वो देखो उधर, सब शिकारी परिंदे हैं, एक वो जा रहा है उधर, अपना तो यार शहर पूरा शिकारी परिंदों से भर चुका है, उधर देखो कबूतर उड़ रहे हैं, इनके लिए बड़ा खतरे की बात है, किसी के भाई के उड़ रहे हैं यार, कहीं ये जाके यहाँ से जाके ये वहाँ ना पहुँचे, उन पर अटैक ना करें, बहुत सारे हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अभी के लिए एक चीज़ और मैंने आपको दिखा देनी है, देखिए हमारे दोनों बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, काफ़ी जो ये हमारे जो कावे कबूतरी उसके बच्चे हैं, वो देखिए ब्लैक वाली फीमेल है ना, उसके बच्चे हैं, दोनों बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, और मिनी पता नहीं क्या कर रही है भाई, मिनी ऐसी चली जाती है किसी भी घर में घूमने के लिए, सिलेक्शन हो चुका है, तकरीबन 10-12 कबूतर जाएंगे यहाँ से, और ज़्यादा भी हो सकती है क्वांटिटी, और जब ये सब कबूतर यहाँ से चले जाएंगे फिर हम अच्छे अच्छे और कबूतर लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि इनसे लड़ेंगे नहीं, सेफ रहेंगे, सेफ्टी से रहेंगे, मजे करेंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, आपको इतना ही टाइम दे पाऊंगा क्योंकि आज काफ़ी सारे काम है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, मुझे तो क्या बताऊँ मैं, क्या पसंद आई होगी, कबूतर भाग गया इसमें क्या पसंद आने वाली बात है, पर ये है भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ये जित रही है कबूतर हम और ही पकड़ देंगे, कोई बात नहीं, भाग गया तो भागने दीजिए। और हाँ, बहुत सारे भाइयों ने कमेंट की थी कि भाई ये मद्रासी कबूतर है, बहुत भाइयों ने बताया था पंजाबी कबूतर है, अब वो मद्रासी था या पंजाबी ये तो पता नहीं, मगर ये फाइनली ना तो वो मद्रासी हमारे पास रहा ना वो पंजाबी, जो भी था भाग गया, भाग जाने तो कोई बात नहीं, और शाम तक वेट करेंगे आ गया तो ठीक है, वरना तो फिर उसके हाथ में है।
और भाई उसके ये बताइए रमजान आप लोग कैसे जा रहे हैं, जो भाई रोजे रख रहे हैं और कौन कौन भाई रोजा रख रहे हैं और इस पाँच महीने में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जरूर लिखिए कमेंट में। और आज शायद पाँचवा छठा रोजा हो गया होगा। सभी को दिल से दुआएं और आप भी दुआओं में याद रखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।